नमस्कार दोस्तों, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। आप देख रहे हैं क्राइम 80 न्यूज, खबर दिन भर की। चलिए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से बड़ी खबर। चंदौली जनपद से बड़ी खबर, 46 पेटी अवैध शराब के साथ 3 साथी शराब तस्कर गिरफ्तार। खबर चंदौली जनपद से है, जहां शॉर्ट ड्रीम और सदर कोतवाली पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसी विस्की के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। ये शराब तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा आंकी गई जा रही है। पुलिस ने तस्करी को में प्रयुक्त होने वाली स्कॉर्पियो और क्वालिस की भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कार्रवाई में जुटी है। दरअसल चंदौली पुलिस व स्वाट टीम चेकिंग अभियान चला रही थी, उसी दौरान भगवानपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास जीटी रोड पर इन दोनों गाड़ियों की तलाशी ली गई, जिससे से मौके से 46 पेटी शराब की खेप के साथ 11,000 रुपए भी बरामद हुए। बिस्की शराब की बोतल व क्रेजी रोमियो बिस्की लिखा हुआ था, जो कि अरुणाचल प्रदेश से निर्मित है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वो शराब की खेप को बिहार ले जा रहे थे। बीते 6 दिनों में चंदौली पुलिस 3 करोड़ से ज्यादा की शराब पकड़ चुकी है। वहीं जानकारी देते संतोष कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक चंदौली, हमारे संवाददाता विनय तिवारी की रिपोर्ट जनपद चंदौली से। कितनी गाड़ी मिली? नहीं, कौन कौन सी गाड़ी? बहुत देखा हुआ। ए मल्ली चंदौली जनपद पुलिस और स्वाट टीम चंदौली की थाना चंदौली कोतवाली पुलिस ने मिल करके रात में वाहनों की संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियां बरामद की, गिरफ्तार किया लोगों को, जिनके कब्जे से लगभग 2,20,000 रुपये मूल्य की अवैध विस्की शराब बरामद की गई है, जो 46 पेटियों की संख्या में है। और इनके पास से 2 गाड़ियां मिली हैं, एक क्वालिस है और एक स्कॉर्पियो है, और 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्त इसी जनपद के रहने वाले हैं, अलग अलग थाना क्षेत्रों के। और ये जो शराब ले जा रहे थे वो क्रेजी रोमियो विस्की के नाम से है, जिस पर नॉट फॉर सेल इन अदर स्टेट्स ये लिखा है, ओनली फॉर इन अरुणाचल प्रदेश ये अंकित है। क्या कहाँ ले जा रहे थे, कुछ जानकारी? ये बिहार ले जा रहे थे, और पूछताछ में इनसे जानकारी मिली है कि ये बिहार ले जा रहे थे, और हम लोगों का मानना है कि ये अवैध शराब है, जिस पर इन्होंने फर्जी तरीके से डुप्लीकेटिंग करते हुए ये कार्रवाई की। पहले भी तस्करी हुई है इनके द्वारा? नहीं, ये फिलहाल पहली बार पकड़ में आए हैं। और लेकिन इनका लिंक जो है, जो पूर्व में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, उस गिरोह के साथ है। आगे क्या कार्रवाई की? बस इन्हें जेल भेजा जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की।